बांध स्थित किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने किसानों की गुलाब की फसल को आग के हवाले करते हुए कलेक्टर का आदेश बता दिया और फसल में आग लगाकर फरार हो गए। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित ग्राम गोयला खुर्द स्थित 16 बीघा किसानों की जमीन को शासन ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसका कब्जा लेने पिछले दिनों प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां किसानों के विरोध और मंत्री जयवर्धन सिंह के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही रोकी गई थी। जब इसे किसान प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने किसानों की समस्या का हल करने के लिए एक न सुनी और आज हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने किसानों की फसल को आग के हवाले कर दिया। जब किसानों ने विरोध किया तो कर्मचारियों का कहना था कि कलेक्टर साहब के आदेश है। किसानों ने कर्मचारियों की इस कार्यवाही पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। किसानों का कहना है जमीन उनकी है, वैसे प्रशासन को नहीं देंगे। 10 दिन से यहाँ पे किसानों द्वारा धरना जारी है साहब, उसके बाद आज अचानक अधिकारी लोग आते हैं और बिना सूचना के आग लगा देते हैं खेतों में। आग का कारण पूछा जाता उनसे तो बोलते कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश है। हमने उनसे बोला कि आप लिखित में कोई ऑर्डर बताएं हमें कि कलेक्टर साहब ने आपको आग लगाने की परमिशन दी। उनका उत्तर आता है कि लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है, फ़ोन द्वारा हमारे पास फ़ोन आया। तो हमने बोला आप कानून हो, कानून व्यवस्था को पालित करते हुए लिखित ऑर्डर तो होना चाहिए आपके पास। तो इतना कहते हैं वो चले गए, यहाँ से अधिकारी लोग सब चले गए और बोले हाउसिंग बोर्ड में केबिन में आके बात करो आप लोग। और उसके बाद साहब परिवार व्यापारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा डील के ऑफर आ रहे हैं हमारे पास कि 30-40 इस टाइप के, हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा और अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा कि आप जमीन दो साहब। 16 बीघा जमीन है साहब, खेतों गुलाब की खेती चल रही है यहाँ पर शुरू से। 20 साल पहले 2001 में इनने अधिग्रहण करी, आज तक कोई कार्य यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं कर पाए, कुछ भी कार्य डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है धारा 101 का कि 5 साल से ज़्यादा अधिग्रहण करे को हो चुका है तो आपको किसानों को ज़मीन दी जाए, उसके बाद भी कोई कार्य इन्होंने नहीं किया, फिर भी ज़मीन देने को तैयार नहीं है साहब और किसी का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। मुआवजा हमने आज तक नहीं लिया साहब। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।